बात करेंगे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2022 की। इसमें आप देखेंगे कि जो मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई है कि कब किस गवर्नमेंट कॉलेज को या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली, तो उस लिस्ट को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और क्योंकि इसमें फॉर्म आ गए हैं और वहाँ जो इसका प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड कराया गया है उसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनकी कोई डिटेल उस प्रॉस्पेक्टस में नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस पूरी डिटेल को। आप सभी लोग जानते हैं ये हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून की तरफ से ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इसका लास्ट डेट है 30 जून, लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। और ये देखिए इतने सारे पाठ्यक्रम हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर, तो उसी में एक बीएससी नर्सिंग का भी है, आप बीएससी नर्सिंग का भी भर सकते हैं। तो इसकी बात हम करते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट जो लिस्ट आई है, और इसमें लास्ट डेट हम आपको बता दें, लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की 30 जून। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं और उस पर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। ये लास्ट डेट इसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की जो है वो आपकी 30 जून है। तो 30 जून से पहले आपको भरना होगा। लेकिन कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज इसमें शामिल हैं उनकी हम बात करने वाले हैं सिर्फ इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल मेडिकल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है, इसी की वेबसाइट पर पड़ी हुई है। आपको हम ये लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ पर भी देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं एक एक करके देखिए, सबसे पहला इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा जो बीएससी नर्सिंग यानी नर्सिंग कॉलेज के लिए, देखिए यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है। तो उसमें जो पहला कॉलेज है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सभी है इसमें। इससे जो है 2015 के आसपास इसमें मिली। और यहाँ पर श्री राम कुमार शर्मा, श्री राजकुमार श्रीवास्तव यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर्सन है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर्स है, मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है और ये लॉगिन आईडी है। इसी तरीके से यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको मिलेगा जो सुरसिंह धार विलेज कांदा न्यू टेहरी में है, तो ये आपको मिलेगा 16-17 में इसकी हुई। और फिर उसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे बीएससी नर्सिंग में तीसरा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो देव सिंह स्पोर्ट्स फील्ड में स्थित है, ये भी 16-17 में एफिलेटेड है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में है उत्तराखंड में, ये भी बीएससी नर्सिंग। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है आपका चमोली में डिस्ट्रिक्ट में है बीएससी नर्सिंग। फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रामपुर रोड तहसील हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लगातार जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर सभी के सभी जो है बीएससी नर्सिंग के हैं, जो कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के हैं 16-17 और 2020 और 21 में इन्हें मान्यता मिली हुई है, एफिलेटेड हैं। इनके प्रिंसिपल्स नेम और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे आएंगे आप तो बीएससी नर्सिंग के मिलेंगे, आप देख सकते हैं ये बाकी यहाँ पर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे। ये इतने सारे आपने देखे यहाँ पर 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस के रूप में, फिर 18-19 और यहाँ पर 14-15, तो ये सारे के सारे अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देखिए यहाँ पर बाकी कॉलेजेस के नाम आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम से ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इधर के आपको प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर मिलेंगे, तो उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं कहाँ किसके एफिलेटेड है। 16-17 नंबर पर आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 27 नंबर तक, यानी टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर आप देख सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, वो सभी जो है आपको 27 कॉलेज यानी 27 कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको पैरामेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, उन्हें आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा कोर्सेस है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहा होगा, आप आसानी से चीज़ों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन कौन से किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या है कि आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे देश से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आप वहाँ पर सूटेबल हैं पढ़ने के लिए, आप वहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो ये कॉलेजेस और एरिया उनका एड्रेस देखकर आप भी गेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।